अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से है? ठीक ठाक। अच्छा, आज की वीडियो जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। हमेशा आप जंगली चीज़ों को देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। आज की वीडियो जो मैंने बनाई है, आपको शोर सुनाई दे रहा होगा आसपास। ये बड़ा प्यारा शौक है। अगर आप शौक के लिए देखें तो ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं, जिन्हें बजरी कहते हैं। शौक शौक में डाल लिया था। बाघों के पिंजरा 6 महीने भरा रहता है, 6 महीने खाली होता है, लेकिन फिर मैंने इन्हें ऑस्ट्रेलियन पैरेट की जगह बना दी और 7 जोड़े डाले। टाइम हो गया, अभी तक 2 ही जोड़ों ने ब्रीड किए। जगह, माहौल, हर चीज़ के हिसाब से तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हैं ये। और ये कॉलोनी है, ये केजेस नहीं है, कॉलोनी है। अभी तक इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अल्लाह का शुक्र है, मेडिकली ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेडिकली ट्रीट किया जाए इनसे। कुछ मरे, पूरे तो खैर नहीं, अल्लाह का शुक्र है मरे, उनके जगह और आ गए। तो मैं आपको एक छोटा सर्वे दिखाता हूँ। ये मेरे तोते हैं सारे, ये जगह है। अच्छा, इनमें डिफरेंट है सारे। आप ये देख रहे हैं पेयर, ये दोनों बैठे हैं। ये सबसे प्यारा पेयर है मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये मेरे दोस्त ने मुझको दिया था, ये उसके घर में ब्रीड कर रहे थे। और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ये बाकियों के साथ रहे ज़रूर है, लेकिन किसी और के साथ इनका कनेक्शन नहीं है। इन्होंने सबसे पहले 2 बच्चे दिए जब मेरे पास है। ये देखिए, आप अंडरस्टैंडिंग चेक करें, बहुत प्यारा छोड़ा है ये फीमेल जा रही है मेरे के पास। अच्छा, इन दो, ये मैं इन्हें रेनबो कहता हूँ। इनका जो पहला बच्चा था वो देखें, ये दोनों बच्चे पहले थे, साथ बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। वो दोनों ब्लू, ये येलो वाला नहीं, ये दोनों जो ये दोनों बैठे हुए तार के ऊपर, ये इनके पहले बच्चे थे। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले माशाल्लाह माशाल्लाह से जो इन्होंने बच्चे दिए, उनमें से ये रहा और सेम टू सेम इसी जैसा दूसरा ये रहा, ये रहा, ये बच्चा, ये वाला बच्चा और ये बच्चा सेम ही है, येलो फेस में आते हैं। अच्छा, तीसरा बच्चा भी इनका है जो मटकी के अंदर है। ये देखें, ये बच्चा सेम टू सेम उस बच्चे की तरह है जो कोने में बैठा हुआ है। ठीक है, ये बड़ा प्यारा एक मेल है मेरे पास, अडल्ट मेल है। अंडरस्टैंडिंग अब इस कदर हो गई है कि ज़्यादा भागते भूखते नहीं है, ये खुश रहते हैं। अभी रिसेंटली जो मेरे पास जो दूसरी क्लच तैयार हुई है बच्चों की, वो ये है, आप देख सकते हैं ये रहे। ये रहे, ये 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये किसके बच्चे हैं? ये बच्चे हैं ये येलो फीमेल, ये दोनों जोड़ा बैठा हुआ है, इनके हैं। यार बड़ा प्यारा शौक है, कसम से खुदा की बड़ा प्यारा शौक है, अच्छा शौक है। इसमें फीमेल एक बैठी हुई अंदर, इसका मेल मर गया, क्रिस्टेड मेल था, बहुत प्यारा मेल था, लेकिन फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग इस मेल के साथ हो गई है। ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा यूनिक मेल था मेरे पास। बड़े अलग अलग छांट छांट के मैंने ये कलर निकाले थे अलग अलग जगहों से। कुछ पेयर हैदराबाद से आए, कुछ मैंने लालू खेत की बर्ड मार्केट से लिए, और उसके बाद मामला चलता रहा, अलग अलग चीज़ें अलग अलग करते रहे। ये बजरी का जोड़ा, ये मैं लालू खेत से लेकर आया था, नॉर्मल बजरी है ऊपर बैठा हुआ। इसमें रेड आइज भी हैं, इसके अंदर क्रिस्टेड भी हैं और अलग अलग पेयर्स हैं। ये एक पेयर बैठा हुआ है ऊपर, लेकिन जो इन दोनों की बॉन्डिंग है ना, आप इन दोनों की देखें बॉन्डिंग, ये जा रहा है,
ये बेस्ट माशाल्लाह 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 से मेरा जोड़ा है, इनका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। मैं आपको दूर से सर्वे करवा देता हूँ इनका, देखें ये सारे बैठे हुए हैं, ये पूरी जगह बनाई, जबकि केजेज हैं, ये केज अलग से रखे हुए हैं, इनका दाना पानी, और ये वो जगह, ये वही है जिसमें मगरमच्छ रखे जाते हैं, मगरमच्छ के बच्चे रखे जाते हैं। ये फैल्कन का ये रखा हुआ है पर्च। तो यार ये शौक अच्छा है, और हर चीज़ का एक अपना हिसाब किताब है। मेरे पास एक पहाड़ी तोता भी है, काफ़ी ट्रेंड है, तो हर चीज़ का अपना एक शौक है। कारोबार के हवाले से लिया नहीं था, सोचा था कि इनके बच्चे सेल करूँगा, लेकिन अभी बच्चे इस तरह हुए नहीं है कि बच्चे नहीं बेचूँ, अभी कम बच्चे हैं। अभी एक ही फैमिली ने, एक ही जोड़े ने मुझे पहले दो दिए, अब तीन दिए, तो अभी मैं इसको बढ़ाऊँगा, जब बढ़ाने के बाद सोचूंगा कि बच्चे सेल करने नहीं करने, अभी तो कोई प्लान नहीं है। तो शौक करें, ये बड़ा प्यारा शौक है, महंगा शौक है, इनमें अलग अलग नस्लें आती हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग इनकी वैरायटी है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को इसका भी एक विज़िट करना है, और कोई सवाल हो और कोई जवाब तो इंशाल्लाह ताला फिर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।